के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बैरून मुल्क से एक सवाल है भाई का कि जो मुखन्नस जिसको कहते हैं शीमेल, अगर वो किसी फैमिली में पैदा हो जाए तो यहाँ हमारे यहाँ ये हुआ है इस तरह का वाक्य, वो बता रहे हैं कि उन्होंने उठा के उसी कौम में के लोगों को दे दिया है, तो या गोरों में इस तरह के अगर कोई लोग हैं तो उनको दे दिया और फिर उनकी परवरिश होती है। वो तौहीन तो एक अलग चीज़ है, मतलब तौहीन समझते हैं उसको रखना, परवरिश करना, और वो उनको दे दिया, फिर बहुत बड़ा जुल्म है जी। वो मजहब भी उनका चेंज हो गया जो वो थे, मजहब क्या उनका तो मजहब सेम भी रहे तो वो जिस तरह उस माशरे में वो पलते हैं तो नहीं। इस देखें, कोई शख्स अगर इस तरीके से पैदा हुआ है, यानी वो तीसरी जिन्स है, तो वो उसका तो अपना कसूर नहीं, वो अल्लाह ने उसको हमारे लिए आजमाइश बनाया कि माशरा उनको एक्सेप्ट करे। अब हमारे आपको पता है मुल्क में भी कानून साजी हुई है, इनके लिए जॉब्स भी रखी गई हैं, और ये बड़े मुअज़्ज़ब बन के रह भी सकते हैं। बेसिकली ये जिस कम्युनिटी में रहते हैं उसकी वजह से ज़्यादा इनकी हरकतें अजीबोगरीब हो जाती हैं। अदरवाइज ये जो जॉ आपका वो जैक कैलस है जो जी, वो भी मुहन्नस है, आपको नहीं पता, कभी किसी को पता लगा? मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, इतने लंबे टेन्योर के लिए कोई ऑलराउंडर नहीं रहा साउथ अफ्रीका का, तो उसने अपनी लाइफ गुजारी है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह के मामलात, मतलब लोग हैं इस तरह के, तो इनको मतलब इस्लाम ने तो ज़ाहिर इज्जत दी है हर एक बंदे को, ये नहीं है कि आप इनको निकाल लें। इस हवाले से मैं वैसे तबलीगी जमात को क्रेडिट देता हूँ, तबलीगी जमात की आपको पता है मुहन्नस की भी जमातें निकलती हैं, और बाकायदा उन लोगों में जाके वो दावत तबलीग का काम भी करते हैं, बड़ी जुरत का काम है। अल्लाह ताला जजाए खैर दे, ये लोग बड़ा काम कर रहे हैं इस हवाले से, उस तबके को जिसको कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये बेशक ज्यादती हो रही है, नहीं हवाले करना चाहिए, और वो आपकी उस विरासत में भी हकदार होगा सारे मामलात। और दूसरा, इसको तो छोड़ दें आप, अगर कोई मर्द भी पैदा हो, कई मर्द हैं शादी के बाद भी उनकी औलाद नहीं होती है, तो उनका स्टेटस तो वही रहता है, ठीक है ना, इशू तो किसी के साथ भी बन सकता है। कई लोग एक्सीडेंट में हमेशा के लिए डिसेबल हो जाते हैं, ऐसे मामलात भी हो जाते हैं, ठीक है। तो माशरे को चाहिए कि वो इनके माँ बाप को चाहिए अपने साथ रखें, और इसको कोई बुराई वाला मामला नहीं है, क्योंकि मैं कहता हूँ इन चीज़ों के पीछे सिर्फ दीन से दूरी है। आप मुहन्नस की बात कर रहे हैं, ये हमारे माशरे की अक्सरियत में अगर जवान बच्चा दाढ़ी रख ले, वो तो उसको एक्सेप्टेंस देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, कहते हैं ए बच्चा मेरा सही निकला है, रह गया ए गया, जरा दाढ़ी रखे होता नमाज पढ़ा होता, कहते बिल्कुल ही तो कोई दुनिया का पता ही नहीं है, जरा बिल्कुल सही चल रहा होता कहते थे बिल्कुल ही सीधा है, कुरान कहते सीधे रस्ते चलो, वैसे तो कहते हैं इतना सिरात अल मुस्तकीम, लेकिन वो सीधा हो सीधा मनने से तैयार नहीं ने, जो यानी ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर रोक ले गाड़ी और वो सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा हो, कहते यार बिल्कुल ही सीधा है यार, ये तो नहीं चल सकता, और गोरे सारे बिल्कुल सीधे थे, हाँ वो तो बहुत मतलब इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। अच्छा, अगला सवाल ये